हेलो। हाँ सफीर, इर्तिजा बोल रहा हूँ। इर्तिजा? हाँ, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? हाँ माशाल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर में सब कैसे हैं? सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। तुमसे काफी अरसे से बात नहीं हुई थी, मैंने सोचा तुम्हें फोन कर लूँ। वैसे सबा से तुम्हारी खैरियत पता लगती रहती है। और सुनाओ? अच्छा किया। अब बेटा कैसे? माज मजे में। तुम सुनाओ, कैसा गुजर रहा है वक्त? ऑफिस के बाद क्या मसरूफियात होती हैं? बस अब कोई खास नहीं, आप दोस्तों के साथ मिलना मिलाना, कभी खाने पे चले गए, वरना घर। अच्छा इतजा, इफ यू डोंट माइंड, मैं जरा एक मीटिंग पे जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद फोन करूँ। ओके ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके ओके ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज मैंने 2 महीने बाद सफीर से बात की। उसका बात करने का अंदाज बहुत अजीब था, ऐसे जैसे वो बात ही नहीं करना चाहता। मजीद कोई बात ना हो, उसने फोन भी जल्दी रख दिया। हो सकता है वो वाकई बिजी हो या उसे किसी मीटिंग में जाना हो, लेकिन कटेसी तो यही थी कि वो फ्री होकर तो मैं कॉल करता। मैंने भी 1-2 दफा कॉल की थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। कैसे करता कौन? अब जरा गौर करें, जब से वो यहाँ से गया है उसने आज तक किसी को कॉल नहीं किया, यहाँ तक कि ईद भी पे भी नहीं। कम से कम सलाम दुआ के लिए तो उसे हम में से किसी को कॉल करना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें सलमा से बात करनी चाहिए, वही सबा का रिश्ता मांगने आई थी। कम से कम हम उससे पूछे तो सही कभी सफीर सबा को क्यों नहीं बुला रहा। तब बहुत हो गया, हमें ये सवाल आंटी से करना चाहिए और सफीर से भी।